अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। खोल बेटा, खोल ना। नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो। तुम काला शैतान हो। वही जिसे बचपन से लेकर आज तक हमारी माँ में बचाते हुए आई। काला शैतान तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हमारे साथ हमारे कान्हा जी। हेलो। हेलो। हाँ भाभी, फोन किए थे आप? अरे कहाँ हो गया, हम फोन किए रहे, आप उठा ही नहीं। बताए तो थे, पेट खराब है, लेटरिन में थे इसलिए फोन नहीं उठा पाए। हाँ, वो हम कह रहे थे कि अगर आपकी तबीयत ठीक हो तो आप भी आ जाइए ना मंदिर। वो कहा है ना कि हमेशा पूरा परिवार साथ ही गया है मंदिर, तो इस बार आपका ना होना, उधर रह जाना, हमें लग रहा है कोई अनर्थ ना हो जाए, आ जाइए। हाँ भाभी, कहीं भाई साहब को फोन दीजिएगा। ठीक है। कहा? आपसे बात करेंगे कह रहे हैं। कहा? हमसे कहा बात? हाँ परवेज। भाई साहब, काम नहीं हो पाया है, सब गड़बड़ा है, हम कहा करें कुछ बूझ नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, कौन बात नहीं, तुम ध्यान रखो और आ जाओ। हाँ ठीक है। क्या करें? कह रहा है ठीक हो गया है, आ जाएगा। चीची, हम रोज ही आपकी नजर उतारते हैं और रोज ही मर्चा काला हो जाता है कोयले की तरह। इसका मतलब बूझती हैं आप? का? अरे रोज ही आपको लोग नजर लगाते हैं। इतनी सुंदर काहे हो जीजी? हम नमन का नजर उतारते हैं और तुम हमरा। गजब प्रेम का रिश्ता है। लेकिन मेघना, हमरा नजर उतारने की जरूरत ना है। काहे? कासे कि हम तो गुलाब का वो पौधा है जो अपनों को फूल देंगे और दुश्मनों को काटा घोक देंगे। आप तो हमारे लिए फूलों का पूरा गुलदस्ता हो जीजी, वो भी गुलाबों का। हम तो आपकी नजर उतारेंगे। हाँ वैसे चीची, एक बात बताइए हमको, आप तो लड़का की माँ है ना, आपको क्या जरूरत थी वो बाबू साहेब के भतीजे का हाथ बोल के मांग के लेने की, वो भी अपने नमन के लिए? सोने का सिक्का। चीची, हम हाथ लगाए। अरे मेघना, चाटो सिक्का देख के तुम्हारी आंखें चौंधिया गया। सिक्कों से बड़ा तिजोरी देखोगी तो तुम तो बौरा जाओगी। का मतलब चीची? मतलब ही कि मुंगेर का सबसे पावरफुल आदमी है नरेश सिंह, जिसकी अपनी तो कोनो संतान है ना ही, पर हाँ परवेश का दूटो बिटिया है, और इतने सालों तक दोनों भैया मिलके जो कुबेर का खजाना इकट्ठा किए है ना, एक बार हमारे नमन से रिश्ता पक्का हो गया, आधा खजाना हमरा। अच्छा,
और दूसरी बात, हमारा सपना है मुंगेर का मेयर बनने का, लेकिन हमारे लिए जो खतरा है ना, वो है नरेश सिंह से, बाबू साहेब से। एक बार नरेश सिंह ने हमसे रिश्ता जोड़ लिया तो ये समझो कि दुश्मन दोस्त बन गया। और फिर वो काटते हैं ना वहां, और उनकी तिजोरी दोनों हमारी मुट्ठी में। और वैसे वो लड़की भी अच्छी है, हमरे नमन का ख्याल रखेगी, खुश रखेगी उसे। इसको कहते हैं आम के आम, गुठलियों के दाम। राजकुमारी, क्या बूझी हमरी जान है? वाह जिंची वाह। एक बात बताएं आपको, हाँ, कभी कभी तो हमको लगता है कि आपके इस दिमाग में ना एक छोटा सा कंप्यूटर बिठा दिया है। लेकिन जीजी, अरे थोड़े गुण अपने देवर के दिमाग में भी पर है। पर चलो, हमारी छत्र छाया में रहकर सीख जाएगा। मेरी ना बउआ दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है नमन? साला नमन, तुम हो साला, तुमने हमको कितना किया है। वही हम सोचे कि साला इतना औकात किसका हो गया कि गुड्डू तिवारी को कितना कर लिया। अगर बेस्ट फ्रेंड में किसी और का नाम लेते ना, यही गोली मार देते गुड्डू तिवारी। अरे मार देते तो मार देते, साला पूरा मुंगेर को पता चलता कि गुडुआ मरा है तो अपने दोस्त के हाथ गोली खा के। चुप कर नौटंकी। अच्छा नमन, एक बात बताओ, वैसे पूरे मुंगेर में ना हल्ला हो रखा है कि तुमको अमेरिकी लोग ना उधर ही रख लिए हैं, तुम इधर के लोग से मतलब है नहीं रखना चाहते हो, हाँ? और साला ये सब छोड़ो, हम तुमको वीडियो कॉल करते थे, साला तुम हमारा फोन ही नहीं उठाते थे। तुम्हारे फोन में हरा बटन नहीं है क्या? अबे गुड्डू तिवारी, जब तुम्हारे यहाँ दिन होता था ना, तब हमारे यहाँ आधी रात होती थी, और आधी रात में इंसान सुकून के साथ सोता है, समझे? खैर ये बकवास की बात है, छोड़ो, अपना हाथ आगे बढ़ाओ, चलो आगे बंद कर। अरे साला गिफ्ट प्रेस करना चाह रहे हो? अरे स्मार्ट वॉच, अरे क्या बात है, पकड़ पकड़। अरे नमन, स्मार्ट वॉच पहन के ना पूरे मुंगेर में गर्दा उड़ा देंगे। नमन, स्मार्ट वॉच से याद आया, तुम तो साला स्मार्ट तरीके से बहुत लड़की लोग को वॉच किया होगा, मतलब गोरी मैडम लोग को। हमने सुना है वहां पे हाई एलो को लड़कियां ना से निपट जाती है, है ना? अबे अमेरिका की लॉन्ग डिस्टेंस लव है, पहले तो मुझे ये बता कि इतनी सी डिस्टेंस पे एयरपोर्ट है, उसके बाद भी तुम मुझे लेने के लिए नहीं है। साला गए थे तुम्हारे घर पे, मिली थी तुम्हारी माता श्री, राइफल तान दी सी यार हमारे ऊपर, और बोली कि अगर नमन को लेने जाओगे तो लोगों को तुम्हारा लाश मिलेगा। ऐसे कोई बोलता है यार? थोड़ी फंसे सी महिमा हमारी। अच्छा नमन, एक बात बताओ, हमने सुना है कि आंटी जी ने शादी के लिए लड़की देख लिया, तुमने हाँ भी कर दिया, मतलब हवाई यहां से डायरेक्ट खोड़ी पे, ऐसे कैसे? देखो गुड्डू, हमें पता है कि माँ की चॉइस गलत नहीं हो और फाइनल भी नहीं होगी, मतलब
आईना रूप नहीं हकीकत भी दिखाए। दंगल प्ले ऐप पर।